अग्निपथ योजना के विरोध में युवाओं के गुस्से ने पूरे देश का माहौल गर्म कर दिया है। देश के अलग अलग हिस्सों में प्रदर्शनकारियों द्वारा आगजनी से लेकर तोड़फोड़ करने की तस्वीरें सामने आ रही हैं। वहीं हरियाणा भी इससे अछूता नहीं रह गया है। यहां पर भी युवाओं द्वारा उग्र प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। ऐसा ही कुछ आज महेंद्रगढ़ में देखने को मिला। आंदोलनकारी युवाओं ने सबसे पहले हुडा पार्क में इकट्ठा होकर राव तुलाराम चौक पर हाईवे जाम करने की कोशिश की, लेकिन पुलिस ने उन्हें वहां से खदेड़ दिया और कुछ उग्र युवाओं को पुलिस हिरासत में लेकर पुलिस की गाड़ी में बिठाया गया, जिससे प्रदर्शनकारियों ने काफी हंगामा करते हुए दादरी रोड की और रेलवे फ्लाईओवर की ओर बढ़े, जहां उन्होंने एक शोरूम व दो गाड़ियों के शीशे तोड़ दिए। शुरुआत करते हुए बालक आए और उन्होंने आकर पत्थरबाजी कर दी। हमने झटके से शटर डाउन करने की कोशिश की और शटर डाउन नहीं हो पाया, इसलिए उन्होंने पत्थर मार दिया। फिर हम आगे पत्थर मारने लगे तो शीशा टूट गया। किसी को चोट तो नहीं आई? चोट किसी को नहीं आई। पुलिस पूरी तरह से मुस्तैद है, अपनी जान की परवाह ना करते हुए बहुत तेज चलते हुए पत्थरों का सामना करते हुए हमने उनको पीछे की तरफ किया और राव तुलाराम चौक, रेलवे स्टेशन, सरताली मोड़ और जो मुख्य इलाके हैं सभी जगह पे पुलिस पूरी तरह से मुस्तैद है। और आगे भी जन सामान्य से एवं युवाओं से ये तहे दिल से अपील है कि किसी तरह का उपद्रव में भाग न ले और अपनी बात को शांतिपूर्वक। बात यहाँ भी नहीं रुकी। इसके बाद प्रदर्शनकारी रेलवे स्टेशन पर जा पहुँचे, जहाँ उन्होंने पुलिस पर पथराव भी किया और रेलवे सेक्शन इंजीनियर के निवास पर घुसकर वहाँ खड़ी एक सरकारी पिकअप कैंपर गाड़ी, जनरेटर व इंजन को किया आगे के हवाले किया। इतना ही नहीं, प्रदर्शनकारियों ने रेलवे ट्रैक पर ड्राम डालकर उसे भी रोकने की कोशिश की गई, लेकिन पुलिस की मुस्तैदी की वजह से उन्हें वहां से भी खदेड़ दिया गया। रुपए की क्षति हुई है, कम से कम 2 लाख रुपए के तो जनरेटर सेट थे और बोलेरो गाड़ी वो पूरी डैमेज की है। मेरा घर का एसी डैमेज किया, कूलर सब, और पर्सनल गाड़ी तो वो डैमेज की है, और ऑफिस है, ऑफिस में पूरे में तोड़ फोड़ और कूलर वगैरह सब तोड़ फोड़ किए। सर, ये आपका घर है कि ऑफिस है? ये मेरा घर है। ये गाड़ियां घर में है? ये पर्सनल मेरी गाड़ी थी, एक सरकारी गाड़ी थी, इनमें आग लगा दी, तोड़ फोड़ कर। वहीं इस प्रदर्शन को लेकर पुलिस अधीक्षक विक्रांत भूषण ने बताया कि आज आंदोलनकारियों ने सरकारी संपत्ति को काफी नुकसान पहुंचाया है, उनके खिलाफ मामले दर्ज करके कार्यवाही की जाएगी। उन्होंने कहा कि इस समय निकाय चुनाव भी हैं और आंदोलनकारियों ने आज उग्र रूप धारण कर लिया, लेकिन फिर भी पुलिस पूरी तरह से सुरक्षा के लिहाज से तैयार है। और कुछ शरारती तत्व जिनकी आज संख्या ज्यादा थी, वो रेलवे पटरी पे आके उन्होंने पुलिस पे पत्थर भी फेंके, रेलवे स्टेशन को डैमेज करने की कोशिश की और जो रेलवे स्टेशन में जो पैसेंजर्स हैं उनको भी चोट पहुँचाने की कोशिश की। वहाँ हम सफल रहे, पर कुछ शरारती तत्व यहाँ आ गए, उन्होंने यहाँ पथराव किया। आप देख सकते हैं स्थिति, तो हम नियम अनुसार सारी कार्रवाई करेंगे, FIR दर्ज करेंगे और जो भी हमारे पास वीडियो रिकॉर्डिंग जो हमारे पुलिस द्वारा की गई है या CCTV फुटेज पे आई है उनको अप्रीहेंड करके हम नियम अनुसार कार्रवाई। बहरहाल युवाओं का ये उग्र प्रदर्शन किसी खौफनाक मंजर से कम नहीं। जहां एक तरफ कई जगह युवा शांतिपूर्ण ढंग से प्रदर्शन कर रहे हैं, वहीं इस तरह के उग्र होते युवाओं के कदम बेहद ही डरा देने वाले हैं। महेंद्रगढ़ से प्रदीप बालरोड़िया, पंजाब केसरी TV। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।